बाराबंकी की थाना सतरिक में शिखर नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की थी कि बाइक सवार तीन लोगों ने उसका मोबाइल छीन लिया, जिसके आधार पर सतरिक पुलिस की टीम इस पर छानबीन शुरू करती है। इसी कड़ी में बुधवार को रिंकू नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से लूट लिए गए मोबाइल के साथ 20 और भी मोबाइल फोन बरामद किए गए। पकड़े गए चोर ने बताया उसके साथ तीन और लोग भी शामिल जो बाराबंकी के रहने वाले। ये लोग मोटरसाइकिल से सुनसान जगहों पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते। पुलिस ने बताया कि इनका एक साथी हत्या के केस में पहले से जेल में बंद है, बाकी दो की तलाश की जा रही है। बरामद किए गए मोबाइल की जानकारी की जाएगी। इनको कहां कहां बेचा जाता है इसकी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का खुलासा करने जा रही है। थाना सतरिक के अंतर्गत मार्च महीने में शेखर नामक एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया था कि बाइक सवार तीन युवक उसके मोबाइल जब वो पैदल जा रहा था बात करते हुए छीन लिए थे। इस जानकारी पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सर्विलांस स्वाट और सतरिक की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि इससे लगा था कि कोई ना कोई गैंग इसके पीछे परिचालित है। आज बहुत अच्छी सफलता मिली इस टीम को जब उसके द्वारा रिंकू नामक एक आपराधिक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके कब्जे से जो लूटी हुई मोबाइल थी उसके साथ कुल 20 मोबाइल एंड्रॉयड हैं जिनकी बरामदगी की गई है। इसके द्वारा बताया गया कि तीन लोग हैं, शिवराज, आकाश और टिल्लू, जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं बाराबंकी के। इनके द्वारा मोटरसाइकिल से इस तरह के आपराधिक कृत्य भिन्न भिन्न सुनसान मार्गों पर किया जाता है। उसमें से एक व्यक्ति ऑलरेडी हत्या के मामले में जेल में है, शेष दो की तलाश की जा रही है। रिंकू और उन अभियुक्तों से पूछताछ टीम के द्वारा भविष्य में भी किया जाएगा जब वो पकड़े जाएंगे, और इनका कस्टडी रिमांड लेकर ये मोबाइल कहाँ कहाँ से लिया गया है, मोबाइल के आधार पर भी मोबाइलों की जानकारी की जाएगी, किसकी किसकी है, कहाँ कहाँ है, कितने मामलों में अभियोग पंजीकृत हुआ है और इनके द्वारा और कहाँ कहाँ घटनाकारी की गई है, ये मोबाइलों को खपाया कहाँ जाता है, बेचा कहाँ जाता है, इन सारी चीज़ों की तहकीकात टीम के द्वारा की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में शीघ्र ही आगे कार्रवाई की जाएगी। रिंकू इसके पूर्व अभी तक की जानकारी के अनुसार अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां हैं शेष जब अभियुक्त मिलेंगे और जैसा कि ये मोबाइल बरामद हुई है इसके आधार पर फिर पता चलेगा कि ये मोबाइल कहां कहां से चोरी की गई है या लूट की गई। चूंकि जो लूट करने वाली टीम है वो दूसरी है, ला के इसके पास रखते थे, बेचने का काम करता है, तो वो जब टीम पकड़ी जाएगी जो लूटने काम करते थे, तो फिर ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इस अपराध में उनके द्वारा कहाँ कहाँ से किया गया घटना, और ला के इसको जब देते थे तब इसकी जिम्मेदारी उन मुकदमों में भी तय की जाएगी। बाराबंकी से ब्यूरो प्रमुख आमिर अली और महमूद आलम की रिपोर्ट।